हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर हब में फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज स्टडी एंड जीपी रेटिंग फॉर्म के बारे में। तो गाइस, द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ने जीपी रेटिंग का फॉर्म जो रिलीज कर दिया है। बट गाइस, इस फॉर्म को वही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जिन्होंने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है किसी भी ट्रेड से। वो ही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, मिनिमम आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री होल्डर होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और गाइज, ये जो फॉर्म है वो जीपी रेटिंग फीटर के लिए और पम्प मैन के लिए है। तो गाइज, इस वीडियो में हम प्रॉपर इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितना फीस रहेगा। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले गाइस, आपको सर्च करना है गूगल पे जाके द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर मैरिज स्टडी। और सर्च करने के बाद गाइस, आपको जो पहले वाला लिंक मिलेगा द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर मैरिज स्टडी, आपको इस लिंक को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद गाइस, आपको कुछ इस तरह का मेल दिखेगा, आपको इसको यहाँ से कट कर देना है। और कट करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे सेंटर पे दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद गाइस, आपको जो भी द ग्रेट इंस्टीट्यूट की जो भी इंस्ट्रक्शंस है अकॉर्डिंग टू कोर्स, आपको यहाँ पे देख लेना। जो भी आपको फॉर्मेलिटीज या इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं वो एक बार पढ़ लेना गाइस। आपको इसमें बताया गया है कौन कौन से कोर्सेज हैं, एप्लीकेशन जो ऑनलाइन रहेगी और आपके फोटो का साइज जो है 30 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको जो है वो जो मेन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है DNS, GME, ETO, GP रेटिंग, डेक इंजन सलून रेटिंग्स और GP रेटिंग फॉर फिटर एंड पंप मैन। तो हमको जो ये वाला फॉर्म जो है वो GP रेटिंग पंप मैन और फिटर के लिए है। तो गाइस, यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है। और इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे दाई और अपलोड फोटो पे जाके फोटो अपलोड करने के बाद गाइस, आपको कुछ इस तरह का आपका जो फॉर्म होगा वो सारा ओपन हो जाएगा। तो गाइस, जो भी रेड कलर में रेड स्टार में जो भी कॉलम है वो सारे मैंडेटरी हैं, तो वो आपको फिल करने पड़ेंगे जो भी रेड स्टार में है। तो सबसे पहले गाइस, आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है। जैसे आपका नेम है गगन, जैसे मेरा नाम है गगन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, आपका एज क्या है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आपका यहाँ से। यहाँ पे आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अगर नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन आ जाएगी आपकी। और आधार कार्ड नंबर, जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो आपको फिल करना है। जैसे 215-6675-2205 ऐसे आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, आपको जो आपका ईमेल आईडी हो आपको वेरीफाई भी करना है, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई टू ईमेल पे जाके क्लिक करना है। और सेंड OTP टू दिस एंड सो, तो आपको यहाँ पे जाके जैसे आपको यहाँ पे ईमेल पे आपका OTP आया होगा, जैसा मेरा है 7342 7342। तो गाइस, मेरे को यहाँ पे आपके आके OTP 7342, इसके बाद OTP, इसके बाद गाइस आपका जो OTP वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। इसके बाद आपका मेटेरियल स्टेटस, आप सिंगल है, मैरिड हो, मदर टंग की आपकी कौन सी लैंग्वेज, जैसे तो मेरी, जैसे हम मोस्टली हिंदी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमको हिंदी फिल करनी, मोस्टली आप भी हिंदी करें। इसके बाद गाइस, आपको प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जैसे मेरा है लुधियाना, तो ध्यान डालने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस जो है, आपका हाइट कितना 172 सेंटीमीटर और वेट है 78। तो गाइस, फिजिकल फिटनेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपका फादर डिटेल्स डालनी है, आपके फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे मेरे फार्मर है तो मैंने यहाँ पे फार्मर सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप
फादर का मोबाइल नंबर, इनकम कितना है वो डालना है, और अगर आप मदर का डालना चाहो वो भी डाल सकते हो, बट मंडेटरी नहीं है आपके लिए। और उसके बाद गैस आपको नीचे यहाँ पे आके परमानेंट एड्रेस डालना है आपका, जैसे हाउस नंबर, आपका विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड क्या होगा, स्टेट, टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड डालना है। और अगर इसके बाद गैस आपका कॉरेस्पॉन्डर एड्रेस भी सेम है, तो यहाँ पे सेंटर पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर कॉपी टू कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद इसके बाद गैस आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट डिटेल डालना है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आएगा, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, और वैलिड अप टू कब तक आपका वैलिड रहेगा। इसके बाद गैस आपको क्वालिफिकेशन रहेगी, जो भी आपका क्वालिफिकेशन, जैसे टेंथ स्टैंडर्ड में कहाँ से पास आउट किया है, कौन से ईयर में से 2013 में पास आउट किया, ओवरऑल परसेंटेज कितना था, और इंग्लिश में कितना परसेंटेज था, पीसीएम में कितना परसेंटेज था, वो आपको फिल करना है, कौन से स्कूल से किया है या कौन से कॉलेज से किया है, और यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा था। इसके बाद उसी तरह गाइस आपका 12th स्टैंडर्ड में कौन से ईयर में पास किया, ओवरऑल परसेंटेज इंग्लिश में कितना परसेंटेज था, पीसीएम में कितना परसेंटेज था, और कौन से स्कूल से किया है और कौन सा बोर्ड था। और उसी तरह गाइस आपका अगर डिप्लोमा और आईटीआई, तो भी आपको अपने हिसाब से जो भी आपका ट्रेड है उस तरह से आपको फिल करना है। जैसे मेरा आईटीआई, तो मैंने यहाँ पे आईटीआई डाला, 2018 में पास आउट किया है, और ओवरऑल परसेंटेज इतना है, और इंग्लिश में परसेंटेज गाइस 60% है, और पीसीएम में 70%। आपका जो भी आईटीआई कॉलेज रहेगा वो आपको यहाँ पे ना उसका नाम फिल करना है। तो गाइज इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अदर डिटेल, और इसके बाद आपको वेयर डिड यू हेयर अबाउट इंस्टीट्यूट मैरिटाइम स्टडी, आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला, फ्रॉम इंटरनेट, तो आपको यहाँ पे इंटरनेट डाल देना है। और इसके बाद गैस आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद गैस आपको 750 रुपीज़ अपना पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे गैस सबमिट कर देना है। तो इस तरह से गैस आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और ये फॉर्म जो है वो गैस ओनली फॉर फीटर रेटिंग और पम्पमैन रेटिंग के लिए, जीपी रेटिंग का फॉर्म है। तो जो भी कैंडिडेट्स फिटर में और पम्प मैन में मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, तो गैस उनके लिए एक अच्छा मौका है एज अ फिटर और एज अ पम्प मैन मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी फीस के बारे में। तो गाइस इस कोर्स का जो फीस है द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट का, वो 4.5 लाख रुपए है। तो गाइस अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जीपी रेटिंग का फीस तो 2 या 2.5 लाख रुपए होता है। तो गाइस द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट का फीस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो आपको आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद 200% फ्री प्लेसमेंट देते हैं अपने इंस्टीट्यूट पे, और इसके खुद के फैसले, एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है द ग्रेट ईस्टर्न, ये आपको अपने ही पैसे पे प्लेसमेंट देता है और परमानेंट जॉब रहती है आपको। कोर्स कंप्लीट होने के बाद इधर उधर नहीं एजेंट को पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ से जीपी रेटिंग कीजिए, अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, इसके बाद आपको 2 या 3 मंथ के बीच आपको इस कंपनी में अच्छे वेसल पे ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो गाइस ग्रेट ईस्टर्न बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप मर्चेंट नेवी में एज अ फीटर और पंप मैन आना चाहते हो, तो गाइस आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और गाइस आज की वीडियो में बस इतना था। अगर इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।